हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम्स। जैसे कि आप सबको पता है, कल जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, पर्सनल प्रोनाउंस। वो हमने कल कंप्लीट किया कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। उससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रोनाउंस क्या होते हैं, और जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो प्रोनाउन का ही एक पार्ट है। कल हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया और उनकी यूजेस में भी डिटेल में डिस्कस किया। आज उसी के लिए मैं एक वर्कशीट तैयार करके लाया हूँ। आप आज हम इस वर्कशीट में जो है देखेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे, हम कैसे जो है पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं सेंटेंस में। अब हम एक साथ ये वर्कशीट करेंगे। कुछ मैं करूंगा, कुछ मैं आपके लिए छोड़ जाऊंगा, जिसका आंसर आप कमेंट्स में मुझे बताओगे या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जैसे कि अगर पहली एग्जांपल ले लेते हैं, पहले क्या हमने करना है, देखिए, सर्कल द प्रोनाउन इन द सेकंड सेंटेंस, ड्रॉ एन एरो टू द नाउन इट रिप्लेसेस। पहले जो है ये तो प्रोनाउन है और प्रोनाउन का ये हिस्सा है। प्रोनाउन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं या वो वर्ड जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और नाउन के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, और या तो जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह लेता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई देख सकते हैं हम, द टीचर इज़ रीडिंग अ बुक, इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। यहाँ पे क्या है, द टीचर जो है वो बुक पढ़ रहा है, और उसके बाद फिर से टीचर का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग वन। जो इट है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। अब यहाँ पे कल हमने पढ़े पर्सनल प्रोनाउंस। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है पहले नाउन, और उस नाउन को किस पर्सनल प्रोनाउन ने रिप्लेस किया है वो भी शो करना है। जैसे अगर हम पहला वाला करेंगे, टेक ऑफ योर बूट्स, दे आर वेट। अपने जूते निकालो, वो क्या है, वो गीले हैं। पहले जो है यहाँ पे हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे, आप भी बताओ, बूट्स। हाँ बिल्कुल सही, बूट्स जो है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे नाउन है। और इसको किसने रिप्लेस किया है, जो बूट है इसको रिप्लेस किया है यहाँ पे दे ने, और दे जो है ये यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद जो है, कॉल मार्क आफ्टर सुपर, ही सीम्ड वरीड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे कि यहाँ पे क्या है, नाउन क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है। जैसे कि अगर मैं आपको इसकी आंसर्स बताऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क जो है, यहाँ पे मार्क क्या है, यहाँ पे हाँ मार्क नाउन है, और इसको रिप्लेस किया है ही ने, और ही जो है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। अब अगर हम थर्ड एग्जांपल की तरफ जाते हैं, एडम एंड कैरो वेयर प्लेइंग विद द किटन्स, देन कैरो फेड देम। पहले मैं इनको रीड करूंगा, आपको अगर कोई आता है तो आप उसी टाइम कमेंट्स में लिखते जाइए। उसके बाद जो फोर्थ वाला है, मॉम एंड डैड वेंट शॉपिंग, दे बॉट अ न्यू डाइनिंग सेट। आपने आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस में ऑलरेडी यूज किया गया है पर्सनल प्रोनाउन और नाउन। आपने देखना है नाउन कौन सा है, और उन नाउन्स को किस पर्सनल प्रोनाउन ने रिप्लेस किया है उसको आपने हाईलाइट करना है या इनसर्कल करना है। फिफ्थ वन इज द फार्मर ब्रॉड द काउज अराउंड, लेटर ही फिक्स्ड द फेंस। एंड सिक्स्थ वन इज मार्क एंड यू आर प्रेजेंटिंग टुमारो, यू नीड टू बी रेडी। द वुमन क्रॉस्ड द स्ट्रीट, देन शी एंटर्ड द स्टोर। द चिल्ड्रन फिनिश्ड देयर डेजर्ट, it was good, his sister put the blankets on the bed, they were soft and warm. The mechanic fixes the car, then puts his tools away. ab hum
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा नाउन क्या कहाँ पे है और उस नाउन को किस पर्सनल प्रोनाउन ने रिप्लेस किया हुआ है। आप कमेंट्स में लिखते जाइए जल्दी जल्दी। अब जो है मैं आपको इनके आंसर की शो करूँगा, आंसर बताऊँगा कि कहाँ पे किस नाउन को किस पर्सनल प्रोनाउन ने रिप्लेस किया हुआ है। अगर हम पहली एग्जांपल की तरफ नज़र डालते हैं, टेक ऑफ योर बूट्स, मैंने पहले ही बताया बूट्स जो है यहाँ पे ये नाउन है और इसको दे जो है पर्सनल प्रोनाउन इसने रिप्लेस किया हुआ है। उसके बाद है कॉल मार्क आफ्टर सुपर ही सीमड वरीड, मार्क जो है नाउन है और ही जो है पर्सनल प्रोनाउन है, इसको ही ने रिप्लेस किया हुआ है। उसके बाद जो है थर्ड वन इज एडम एंड कैरल वर प्लेइंग विद किटनस, वो उन किटनस के साथ खेल रहे थे। किटनस जो है यहाँ पे नाउन है और इसको देम जो है इसने ये पर्सनल प्रोनाउन है, देम पर्सनल प्रोनाउन है, इसने रिप्लेस किया हुआ है। उसके बाद जो है मॉम एंड डैड वेंट शॉपिंग, वो शॉपिंग के लिए गए मॉम एंड डैड। मॉम एंड डैड जो है यहाँ पे आपको सबको पता होगा ये क्या है नाउन और जो वहाँ उसको दे जो है पर्सनल प्रोनाउन इसने रिप्लेस किया हुआ है। उसके बाद जो है फिफ्थ वाला द फार्मर ब्रॉड काउज अराउंड लेटर ही फिक्सड द फेंस, जो फार्मर था जो ज़मींदार था यहाँ पे ज़मींदार जो है ये क्या है नाउन है सबको पता है और ही जो है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ पहले ही मैंने बताया था ही का यूज होता है और यहाँ पे ही का यूज़ हुआ है। उसके बाद जो है मार्क एंड यू, मार्क और तुम ये दोनों जो है ये क्या है प्रोनाउंस, ये क्या सॉरी नाउन्स है और इसको यू जो है यू मैंने पहले ही बताया था यू, आप वो वीडियो जो है कल हमने अपलोड करी थी आप वो पहले देख लीजिएगा वीडियो अच्छे से, उसके बाद ये सॉल्व करने की कोशिश करे था कीजिएगा। पहले ही मैंने उस वीडियो में भी आपके लिए होमवर्क डाला है, बहुत सारे बच्चों ने सेंड किया है और बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने सेंड नहीं किया है, प्लीज़ वो भी सेंड करें। और यू पहले मैंने उस वीडियो में मैंने बताया कि यू सिंगुलर के साथ भी यूज़ होता है और प्लूरल के साथ भी यूज़ होता है। द वोमेन, वोमेन जो है सबको पता है नाउन है उस और इसको शी ने, शी जो है पर्सनल प्रोनाउन इसने रिप्लेस किया हुआ है। उसके बाद है एट्थ वाला द चिल्ड्रन फिनिश्ड दियर डेजर्ट इट वाज गुड, उनने अपना डेजर्ट जो है खाना वो ख़त्म किया और वे बहुत अच्छा था, इट जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है। हिज सिस्टर पुट द ब्लैंकेट्स ऑन द बेड, ब्लैंकेट्स जो है यहाँ पे कंबल वो क्या है नाउन है और इस ब्लैंकेट को यहाँ पे दे ने रिप्लेस किया हुआ है और जो ये दे है ये क्या है पर्सनल प्रोनाउन। आप अगर किसी को ये समझ नहीं आया, अगर किसी ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ये समझ नहीं आएगा, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो पहला वाला पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने डीप में बताया है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और कौन सा पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ होता है, सिंगुलर कौन सा यूज़ होता है या प्लूरल कौन सा यूज़ होता है। और टेंथ वाला जो है द मैकेनिक फिक्सेस द कार, मैकेनिक ने जो है कार को ठीक किया, ही पुट्स टूल्स अवे, उसके बल्स को दूर छोड़ दिया, ही जो है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ रहा होगा, अगर आपको ये पसंद आया और समझ भी आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी हम आने वाली वीडियोज़ होंगी आपको उनकी नोटिफिकेशन पहले मिल सके। अगर और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, आपको मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।